नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं मुंबई का एफएम गोल्ड चैनल। आज कार्यक्रम छू लो आसमान में आपसे रूबरू होंगे जाने माने लेखक, टेलीविजन, रंगमंच और फिल्म के अभिनेता कुणाल विजयकर। इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास मिटरसेन, जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और प्रेसिडेंट ऑफ IBG एंड ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। मैं हूँ विकास मित्तरसेन। आप लोग शायद अभी तक तो जान गए होंगे मेरी आवाज़। हमारे साथ आज हैं मिस्टर कुणाल विजयकर। ये तो सब जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं इनको, फिर भी शॉर्ट फॉर्म के लिए। ये फूडी हैं, एक्टर हैं, ऑथर हैं, टेलीविज़न पे हैं, थिएटर पे हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, मैं तो आधी बात बोला हूँ। वेलकम कुणाल जी टू ऑल इंडिया रेडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आज आकर इतना खुश हूँ क्योंकि इतने साल काम करने के बाद पहली बार रेडियो मैं रेडियो ऑल इंडिया रेडियो पे आ रहा हूँ। अच्छा, बचपन से ऑल इंडिया रेडियो ही था जो हम सुनते थे। तब थोड़ा दूरदर्शन था, जो फिर भी बचपन में दूरदर्शन भी नहीं था हम जब छोटे थे। दूरदर्शन आया 6:30 बजे के बाद ही, शाम को आता था दूरदर्शन घंटे के लिए, लेकिन दिन भर तो ऑल इंडिया रेडियो ही था, विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो। आप कभी नहीं आए इधर? कभी नहीं आया। इतने बड़े थिएटर पर्सनालिटी, सब आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, किसी ने हमें बुलाया ही नहीं। अरे रे, क्या करें, आपने बुलाया इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। तो ये बताइए कि आप बॉम्बे के ही हैं, यहीं ग्रो अप हुए? मैं बॉम्बे से आ गए, इम्पोर्ट हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ओरिजिनल सैंपल हूँ बॉम्बे का। अच्छा। हम जो है महाराष्ट्रन है, लेकिन महाराष्ट्रनों में हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है पाठारे प्रभु करके, पाठारे प्रभु, जो 700 साल से बम्बे में रह रहे हैं। सो वी आर आफ्टर द कोलीज एंड द सीकेपीज एंड द अदर बॉम्बे कम्युनिटीज, वी आर द ओरिजिनल बॉम्बे मुंबई कम्युनिटी। मेरे भी ये कम्युनिटी में एक पहचान की लेडी है, वो आपको जानती भी है, शायद आपसे रिलेटेड भी है। वो बता रही थी कि आधा बॉम्बे हमारा है, क्योंकि जो हमारे जो पूर्वज थे, लैंड वैंड सब, लैंडलॉर्ड्स थे ज्यादा, लैंडलॉर्ड्स हैं हम लोग, तो पूरी आधा बॉम्बे उनका ही था। हम, मेरे फैमिली में कुछ नहीं था। मेरे फैमिली में लैंड प्रॉपर्टी कुछ मिला? नहीं मिला मुझे। हम तो मेहनत करके ऊपर आए हैं। हमारे साथ आज हैं कुणाल विजयकर, मैं हूँ विकाश मित्तरसेन। तो आगे बढ़ते थे, आपने स्कूलिंग वूलिंग कहाँ करी? तो मराठी में पढ़े थे या नहीं? school? नहीं, मैं इंग्लिश में पढ़ा था, सेंट मैरी स्कूल मैसगांव। अच्छा। उस वक्त की बहुत अच्छी स्कूल थी, बेस्ट स्कूल थी, अभी भी काफी अच्छी स्कूल है। तो पूरा बचपन वहीं गुजरा, क्योंकि हम, मेरे फादर जो थे वो मैसगांव डॉक्स में इंजीनियर थे, नेवल शिपयार्ड में। वो जो मैसगांव में स्कूल था वो नजदीक पड़ता था, इसलिए वही चले गए। 10 साल पूरे वही निकाले। और फिर उसके बाद फिर और पढ़ाई करने की कोशिश की हमने। कॉलेज भी गए? कॉलेज गया, एक दो बार फेल भी हो गया। लेकिन फिर मेरे जैसे। वैसे ही। और फिर बराबर लाइन पे लग गया, मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया। ओके। और वहां से ग्रेजुएट हो गया मैंने अप्लाइड आर्ट में, और वहां से एडवर्टाइजिंग में घुस गया पूरा। एजेंसी जो आपके ही बिल्डिंग में है, वहां मैंने 11 साल क्रिएटिव डायरेक्टर करके गुजारे, जहां हम वो अमूल बटर होर्डिंग करते थे। में आप इन्वॉल्व थे शायद? हाँ, तो मैं यानी एजेंसी का तब से 40-50 साल पुराना क्लाइंट है, अमूल बटर डिकोना करके एजेंसी थी। और जो उनके फाउंडर और ओनर जो है सिल्वेस्टर डिकोना, उन्होंने पहली बार वो अमूल बटर होर्डिंग लिखा था। अच्छा। और क्रिएट किया था, इन्वेंट उन्होंने, उसका कॉन्सेप्ट उनका था अटली बटली डिलीशियस करके। तो हम, क्योंकि हम वहाँ काम करते थे, हमारा भी मौका आ गया लिखने को। हाँ। मैं भी कॉपी राइटर भी था, डायरेक्टर भी था वहाँ। हाँ। तो बाकी लोगों के साथ हमने भी लिखे वो कुछ यहाँ वहाँ थोड़े बहुत अमूल बटर होर्डिंग। अभी नहीं करते एडवर्टाइजिंग? नहीं, छोड़ दिया ना। फिर हमने सोचा कि एक्टर बनेंगे, ज्यादा पैसा मिल रहा है। अच्छा। तो जो पूरा दिन काम करके जो कमाता था, वो दो घंटे एक घंटे में कमाने लगा। अरे वाह। तो बोलो चलो, और दोपहर को घर जाकर सो भी सकता हूँ मैं। हाँ, तो क्यों, अभी मैं दोपहर को घर जाकर सोता हूँ मैं। अभी भी इस तरफ ही रहते हैं क्या? मैं बोली में रहता हूँ, प्रभादेवी। प्रभादेवी से? हाँ। ये बताइए, आप करीब करीब 9-10 चीजें करते हैं अलग अलग,
तो ये सब कैसे मैनेज होता है? लेकिन आपने अगर वो नौ दस चीजें देखी तो सब कनेक्टेड है. शुरुआत हो गई एडवर्टाइजिंग से. एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी में काम करता था वही थिएटर बहुत करते थे. वहाँ सिल्वेस्टर डिकूना थिएटर करते थे, डॉयन थे, राहुल डिकूना जो उनका बेटा है वो अभी तक थिएटर करता है, भरत दाबोलकर वहाँ काम करता था, वो थिएटर करता था. तो एक थिएटर का कल्चर बन गया. हम लोग यंग थे, इवनिंग में कुछ टाइम पास करने के लिए जरूरत थी तो एक्टिंग करने कर लेते थे. वो थिएटर से ही टेलीविजन का एक एक्सटेंशन आ गया. एडवर्टाइजिंग से ही राइटिंग का एक्सटेंशन आ गया. और फिर सब उसी का वन थिंग लेड टू अनदर. एंड वो सब यानी करता हूँ तो ज्यादा करके एक्टिंग ही करता हूँ और राइटिंग ही करता हूँ, लेकिन अलग अलग फील्ड्स में. फूड का इंटरेस्ट अभी आपने मुझे अगर देखा होगा तो दिखता हूँ कि फूड से प्यार बहुत करता हूँ मैं. तो मैं बॉम्बे टाइम्स में ताकि मैं कॉमेडी करता था. इवन थिएटर में बहुत सारे फनी प्लेस किए हैं. पल पदम सी, रायल पदम सी, होसी वसुनिया, जो पारसी थिएटर, सब कुछ कॉमेडी किए. और क्योंकि मैं लिखता भी था तो बॉम्बे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सप्लीमेंट है, उन्होंने बोला कि आप ह्यूमर कॉलम लिखोगे क्या? तो मैंने दो साल के लिए, तीन साल के लिए वहाँ एक ह्यूमर कॉलम लिखा बॉम्बे टाइम्स में. और फिर वहाँ एडिटर जब चेंज हो गए तो फिर वो राइटर्स भी चेंज हो गए. तो मुझे लगा कि मुझे लिखने का बहुत शौक था तो मुझे लिखना है. तो मैंने एडिटर को फोन करके बताया क्या मैं आ सकता हूँ आपसे मिलने को, क्योंकि मैं लिखता था. दो तीन साल मैंने ह्यूमर कॉलम लिखा है आपके पेपर में. तो ही सेड या प्लीज कम एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो वी अयाज मेमन वाज द न्यूज, या न्यू, ही वाज द एडिटर. सो ही सेड अभी ह्यूमर नहीं तो फूड पे लिखोगे क्या? अच्छा, तो बोला जरूर लिखूंगा, खाने का शौक है. ऑफिशियली कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है मुझे, मैं खाने का शौक है. तो वहां से वो जर्नी चालू हुई, तो वहां पे लिखने का शुरू हो गया. और जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने चैनल निकाला टाइम्स नाउ करके, तब दे वर लुकिंग फॉर अ फूड शो. तो जिसको फूड के बारे में पता है और जो टीवी पे भी काम कर सकता है, कैमरा के सामने काम कर सकता है, तो उन्होंने मुझे पूछा करोगे क्या? तो मैं बोला चलो क्यों नहीं? करेंगे 100%. वैसे ही कॉमेडी करता था, कॉमेडी लिखता था और टीवी पे था. तो CNN IBN जो चैनल था, अभी CNN न्यूज 18 है, राजदीप सरदेसाई वहाँ एडिटर था तब. उसने साइरस ब्रोचा जो मेरे साथ काम करता है उसे पूछा कि क्या आप एक न्यूज बेस्ड कॉमेडी शो करोगे न्यूज चैनल के लिए? वो बोला हाँ करते हैं. सारे से पूछा करे क्या साथ में? तो वैसा हो गया. तो वो शो अभी तक कर रहे हैं हम लोग. इट्स कॉल्ड द वीक दैट वाजंट. CNN न्यूज 18 पर आता है. 13 साल से चल रहा है शो एवरी वीकेंड. फूडी, द फूडी शो जो था वो कुछ 4 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन वो भी 9 साल चला. वो अभी बंद है? वो बंद हो गया, अभी बंद हो गया. मतलब पेट भर गया सब लोगों का. मैंने इसको भरत धाबोलकर को कई बार बोला कि मुझे कुछ छोटा 2 मिनट का रोल तो दे दो आपके. हम दे देंगे आपको. बहुत बार बोला हाँ तुम एकदम परफेक्ट हो, लेकिन फिर कभी बोलता नहीं है कुछ. तो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है. भरत धाबोलकर मैंने किया है, उसके साथ भी काम किया. पहला प्ले मैंने उसके साथ 92 में किया था. फिर अभी उसने कुछ 3 साल पहले बॉटल्स अप किया, तो उसमें भी मैं वापस मैंने किया था काम उसके साथ. आयाज मेमन को भी मैंने बोला था कि मुझे ना कहीं कॉलम दे दो लिखने का. बोला हाँ जरूर जरूर, व्हेनेवर यू से. आई होप ही सुन रहा नहीं हो. लेकिन अभी हुआ नहीं. आयाज को भी बताते ना, अभी तक हुआ नहीं. आई एम वेटिंग फॉर ऑल दिस गाइस. होगा, जरूर होगा. ये हमारे साथ आज हैं कुणाल विजयकर. मैं हूँ विकाश मित्तरसेन. मैं आपका शो का रेगुलर व्यूअर हूँ. थैंक यू सो मच. लेकिन मुझे मतलब है ना, वो ट्रैक नहीं रखता हूँ मैं. मोस्टली संडे को आता है ना, सैटरडे और संडे को आता है. तो मैं ऑन करके देखता हूँ उस टाइम पर. वो क्या है, दिख गया तो मैं अटक जाता हूँ. टाइमिंग्स उनके क्या होता है, न्यूज चैनल जो होता है ना, तो उसपे ब्रेकिंग न्यूज आ गया तो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाता है. चैनल पे तो आता ही है. तो संडे को सुबह को भी आता है, दोपहर को भी आता है, शाम को भी आता है. 3 बार रिपीट होता है शो. सैटरडे नाइट को शुरू होता है, अभी यानी फर्स्ट उसका ब्रॉडकास्ट होता है उसपे. फिर संडे को रिपीट होता है. और हफ्ते में भी ट्यूसडे वगैरह पे दोपहर पेपर को भी दिखाते हैं. वो मेरे को टाइमिंग्स एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे तो छा गया है इंटरनेशनल. और वी गेट अ लॉट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम इंडियंस हु लिव अब्रॉड. उनका भी आता है रिएक्शंस. वो भी जानना चाहते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है. हम भी पॉलिटिकल सटायर करते हैं उसमें.
काफी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट गोइंग टू यू, यू मस्ट। मुझे पता नहीं है उसके बारे में, शुरू करता हूँ। हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे से, 6-8 महीने में मैं भी है ना सीख जाऊंगा। देखिए हम कैसे पुराने थिएटर जो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ। उसे टीवी थोड़ी टेक्नोलॉजी, अब पूरी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो हर चीज ही टेक्नोलॉजी है। करेक्ट, अगर आप टेक्नोलॉजी में नहीं रहो आप प्री हिस्टोरिक हो गए। एब्सोल्युटली, और जैसे पुराने ड्रैगन्स वैगन सब घूमते, डायनासोर टाइप, डायनासोर टाइप वैसे हो गए। तो हम भी कोशिश कर रहे हो डायनासोर ना बनो अभी मैं। हाँ, करना पड़ेगा। इसमें कि मैं तो एक टेक कंपनी चलाता हूँ, वही तो लोग मुझे पूछते हैं, हाँ। टेक कंपनी के चेयरमैन हो, उनको कुछ आता ही नहीं है, क्या करते हो उधर बैठ के? उसको बोलो मुझे पैसा बनाना आता है। और बताइए मुझे, इसमें मैंने अमूल ऐड लिखा था लेकिन आपने ब्रीफली बोला है, थोड़ा बड़ा के बताइए ना, अमूल ऐड में क्या आपका, आपका क्या रेलेवेंस था उधर, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? ऐसे है कि अमूल का जो कैंपेन है वो एक हिस्टोरिकल कैंपेन है वो, क्योंकि अगर ये कहानी मुझे सिल्वेस्टर डिकुरा ने बताई थी, क्योंकि उन्होंने वो क्रिएट किया था, शुरू किया था कैंपेन, कि बजट बहुत कम था और एडवर्टाइजिंग के लिए बजट काफ़ी लगता है क्योंकि मीडिया इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, तो छोटे बजट में कैसे किसी को अट्रैक्ट करें वो आइडिया था। और उन्होंने बोला सिर्फ होर्डिंग करते हैं, आउटडोर मीडिया करते हैं, और आउटडोर मीडिया पे क्या करें, तो एक सिंबल बनाते हैं, वो लड़की, छोटी लड़की जो होती है अमूल बटर की, और टॉपिकल इवेंट्स पे हम लोग स्टेटमेंट करते हैं, वी विल कमेंट ऑन टॉपिकल इवेंट्स। तो वो पहले होर्डिंग से ही हिट हो गया था वो, और जब मैं ज्वाइन किया तो भरत अबुलकर वहाँ लिखता था, ही यूज्ड टू राइट अमूल बटर होर्डिंग्स, और जब वो छोड़ के चले गए तो हमारे पे आ गया, हम जो कॉपी डिपार्टमेंट था उस पर आ गया लिखने को। क्या है, यू नो, वो अमूल बटर होर्डिंग जो है वो इनहेरेंटली इतना क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इवन हाफवे कॉमेडिक हो, इसलिए मैं ज्यादा क्रेडिट नहीं लेता उसके लिए, वो ओरिजिनल आइडिया को ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि लोग आते हैं, लिखते हैं, चले जाते हैं। हमारे टाइम में भी 2-3 लोग थे हम जो लिखते थे उसको, लेकिन अगर सब्जेक्ट अच्छा है और अगर एक कुछ थोड़ी अच्छी आइडिया आ गई तो ऑटोमेटिकली वो होर्डिंग इंटरेस्टिंग बन जाता था। तो हम लोगों ने, मुझे याद है वो ब्रायन लारा ने कुछ रिकॉर्ड ब्रेक किया था, हम लोग स्टूडियो में थे वहाँ, तो न्यूज़ आ गई कि लारा ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो उन्होंने कहा कि एक इस पर होर्डिंग करते हैं, तो सब बातचीत चल रही थी, और एक लड़का कहीं से उसने चिल्लाया, लारा क्या मारा, अच्छा, करके okay. तो वही लाइन लेके उस बन गई होर्डिंग, यू नो। तो ऐसा नहीं कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी एक्चुअली एक अच्छी लाइन देकर होर्डिंग बना सकता है अगर वो स्टेट ऑफ माइंड में, बिकॉज द होर्डिंग इटसेल्फ इज ऑफ सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, यू नो, दैट आइडिया अमूल बटर इज सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो मैंने लिखा, और अभी जो लिख रहा है उसे मैंने ही हायर किया था जो छोड़ने से पहले, तो वो भी अभी तक 20-25 साल वही लिख रहा है, यू नो, हमारे रोज नया आइडिया कैसे आते हैं, वो करते हैं, दिमाग चलाते हैं। और हम जो वीक दैट वॉजंट करते हैं, इट इज अ वीडियो एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द अमूल बटर होर्डिंग, आप सोच, बिकॉज इट्स अ कॉमेंट ऑन टॉपिकलिटी, करंट अफेयर्स, पोलिटिकल, सोशल अवेयरनेस, बट इट्स द सेम थिंग, अगर आपने सोचा तो उसका ही एक्सटेंशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये बताइए, जो अमूल का था और अभी जो आप कर रहे हैं, इसमें लीगल इश्यूज क्रॉप अप नहीं होते हैं क्या? लोग नोटिस नहीं भेजते हैं आपको? आप तो बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को के बारे में बात कर लेते हैं। वेल, यू नो, ऐसा है कि हाँ, अमूल बटर का तो को भी नोटिस आए हैं और हमें भी नोटिस आए हैं, लेकिन जो क्लाइंट है अगर वो स्ट्रांग हो, अगर उसको थोड़ा रिस्क लेने का एपेटाइट हो उसको, तो, और न्यूज़ चैनल को तो नोटिसेस आते ही हैं, आते ही हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलो तो एक नोटिस आ जाता है, तो हमें प्रोटेक्ट करके रखा था उन्होंने, एंड दैट इज व्हाट वी आर ग्रेटफुल फॉर, बिकॉज द प्रोटेक्शन इज द रॉन्ग वर्ड, इट इज बियॉन्ड, बिसाइड अनलेस यू हैव द कॉन्फिडेंस, तो आप नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, आपको सपोर्ट करना चाहिए किसी ना, फिर कॉमेडी हो सकती है। नहीं, वो तो शेल्टर चाहिए आपको, हम हमारा काम कर रहे हैं, आगे पीछे जो कुछ भी हो वो आप संभालो, और आप आपका काम करो, अपना काम करते रहो, क्योंकि ऐसे केस करने वाले बहुत सारे होते हैं, कुछ होता नहीं वो केस का, लेकिन हैरेसमेंट जरूर होता है, है ना, कि वो शायद वो हार भी जाए केस, लेकिन 10 साल के लिए ऊपर नीचे हमको ही जाना पड़ेगा। कुछ और चीजें हैं, ये MTV बकरा क्या था?
कुछ तो मुझे याद है, एबीटीवी बकरा एक बहुत फेमस शो था, बहुत फेमस शो था। साइरस और हम, साइरस का ही शो था वो। अच्छा, साइरस का ही शो था और वो फेमस हो गया वो। और फिर एक या डेढ़ साल के लिए हमारे प्रोडक्शन कंपनी में उन्होंने फ्रीलांस किया था, मैंने कुछ काम किया था, लेकिन उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो साइरस को और उनके जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ये बहुत सुपर हिट शो क्रिएट किया था। याद है ना, कुछ है ना टीवी पे दिखाते थे, कैंडिड कैमरा, कैंडिड टाइप का कुछ था, कैंडिड कैमरा, सडनली लोगों को बाद में मालूम पड़ता था कि तो टीवी शो है। और काफी एपिसोड्स पे मैं अपीयर भी हो गया था, क्योंकि साइरस और हमारी दोस्ती थी तो वो भी खींच कर लेकर जाता, चलो कर रहे हैं बकरा आप भी आ जाओ। तो मैंने कुछ, हमारा प्रोडक्शन हाउस था तो एक डेढ़ साल के लिए हमने भी किया उसको। हमारे साथ हैं कुणाल विजयकर जी, मैं विकास मित्तरसेन। कुछ थिएटर के बारे में और बताइए, बिकॉज आप मेजरली थिएटर के आदमी हैं। थिएटर और भी हैं लेकिन ग्रेटली तो थिएटर बचपन से ही सॉर्ट ऑफ एक्टिंग का काफ़ी शौक था। लेकिन कैसा होता है, मिडिल क्लास मेंटेलिटी रहती है ना कि तो थिएटर करोगे तो खाओगे क्या, हाँ, पियोगे क्या, यू नो। इसलिए थिएटर एक्चुअली परस्यू नहीं किया एज अ करियर इन दोज डेज, यू नो, कि बराबर से काम पे लगे, नौकरी पे लगे, सैलरी आ रही है। नसीब भी अच्छा था, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने नौकरी ली उसमें थिएटर का कल्चर था, और वहाँ से पहला प्ले सिल्वेस्टर डिकोरा के साथ मैंने किया, टॉपसी टर्वी करके, उनके बेटे राहुल ने डायरेक्ट किया था प्ले। और उसके बाद हर साल मैंने एटलीस्ट दो प्ले किए, और सब इंग्लिश थिएटर के जो सब दिग्गज थे उनके साथ काम किया। तो होसी वसुनिया करके फेमस पारसी थिएटर के थे, उनके साथ किया, एलेक पदमसी के साथ किया, पर्ल पदमसी के साथ बहुत सारा किया, उनकी बेटी रायल पदमसी के साथ किया, तो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली के साथ किया, भरत दाबोलकर के साथ किया। और अभी क्या होता है कि प्ले करने को थोड़ा टाइम कम मिलता है अभी, क्योंकि रिहर्सल कल के लिए टाइम नहीं, बैकएंड भी बहुत काम होगा, रिहर्सल के लिए टाइम नहीं। तो साइरस ब्रोचा और मैं, जो हम लोग साथ में काम करते हुए, हमने एक पल रायल पदमसी के साथ एक ऐसे टू मैन शो क्रिएट किया। अच्छा, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट कुछ 10 साल पहले हम लोगों ने साइरस आइटिस करके एक शो किया दोनों साथ में। वो काफी अच्छा चला, हम दोनों काम करते हैं, वो स्टैंड अप करता है, हम लोग स्केच कॉमेडी करते हैं उसके साथ। उसके बाद सेकंड किया 40 Shades of Grey हेयर करके, हाँ, एक किया, उसके बाद किया हाउ आई मेट योर फादर करके, हाँ, एक किया, हाँ, और अभी फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसके थोड़ा बड़ा करके और कुछ एक्टर्स को लेके थोड़ा ग्लैमर डांस म्यूजिक करके एक और प्ले बना रहे हैं हम लोग। अब भी कंसेप्चुलाइज शुरू हो रहा है और सितंबर एंड तक प्रीमियर हो जाएगा रॉयल ओपेरा हाउस पे। प्लीज कॉल मी, आई विल डेफिनेटली कॉल यू। ये बताइए कि इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स रहती है क्या थिएटर में? थिएटर में इकोनॉमिक्स, अरे न्यूयॉर्क में देखा है टिकट के प्राइस कितने अफलातून रहते हैं, और यहाँ तो हार्डली एनी प्राइस रहता है। देखिए, न्यूयॉर्क और वेस्ट एंड और ब्रॉडवे का ये है कि क्योंकि उनका 95% ऑडियंस टूरिस्ट होता है, ओके, तो टूरिस्ट के आइटिनरी पे एक ब्रॉडवे शो रहता ही है, ओके, तो फिर उनके बजट में वो एक डालते हैं कि $100 की या $70 की एक टिकट रहती है। यहाँ हमारे यहाँ जो इंग्लिश थिएटर है उसके लिए, पहले तो इंग्लिश के लिए कम ऑडियंस ही कम है, सभी फील्ड्स में इंग्लिश के लिए ऑडियंस कम है। थिएटर रेंट्स काफ़ी हाई है, अगर एक जमशेद भाभा ऑडिटोरियम में टाटा थिएटर आप लो तो रेंट काफ़ी हाई है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो फिक्स्ड होता है वो होता ही है, तो विदाउट स्पॉन्सरशिप इंग्लिश थिएटर नहीं जमता। आप भले ही 2,000-1,500 टिकट का ले लो, फिर भी नहीं कवर अप होता पैसा, बिकॉज द रनिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। मैं हमेशा यही वंडर करता हूँ, आप अगर पेपर में एक एड डालो तो एक वो एड का कितना खर्च होता है, देखो ना, वो तो 50,000-1,00,000 रुपया, तो लाख अगर पेपर में एड गया, वीकेंड शो के लिए दो एड आपने डाले तो क्या बचेगा। अब 2,000 टिकट के अगर आपने फुल हाउस भी किया तो कुछ 10-12 लाख लाते हैं, फिर वो खर्चा ही नहीं हुआ। और बहुत चीज़ें आपके यहाँ, इसमें
150 एपिसोड बाद बन जाए, ये क्या है? तो जब मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ा, मैंने आपको बोला कि हाँ। वो टीवी पे बहुत पैसा मिल रहा था तब हाँ। तो बात बन जाए करके इट यूज्ड टू बी अ कॉमेडी शो 97-98 में। अभी मेरी हिंदी तो बहुत खराब थी क्योंकि पहले तो हूँ मैं महाराष्ट्रियन, हिंदी का कुछ संबंध ही नहीं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ तो हिंदी टूटी फूटी बोलते थे लोग, और क्योंकि घर में मराठी और बाहर इंग्लिश तो हिंदी का कुछ, और बम्बई में रहता हूँ, दिल्ली में तो रहता नहीं हूँ मैं, तो संबंध ही नहीं आता, कोई हिंदी स्पीकिंग आदमी मिलता ही नहीं था हमें तो क्या करें। तो जब मुझे ये ऑफर आ गई, एक दोस्त था मेरा वो कर रहा था ये टीवी सीरियल, और मुझे बोला कि तो एक्टिंग करेगा क्या, तो बोला करूँगा जरूर करेंगे एक्टिंग, टीवी पे आएंगे यार। तो शूटिंग के एक दिन पहले मुझे कोल्ड फीट आ गए, अच्छा, ओनली बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, कि हिंदी में ये दो दो लाइन हिंदी बोलना ठीक है हाँ, लेकिन पूरा शो कैसे करें हिंदी में। तो मैंने उसे रात को फोन किया, ऐसे मैं नहीं करने वाला, यू डोंट वरी, तू आ जा ना, मैं करता हूँ कुछ, डोंट वरी, तू आ जा। तो मैं गया और आई एम सो हैप्पी आई डिड इट, बिकॉज लगभग 3 साल चला ये, इट वॉज फुल स्टार्स थे हिंदी टेलीविजन के, रोहित रॉय, निक्की अनेजा, राखी टंडन, रंजीत जो बड़े विलन थे वो भी थे उसमें, अच्छा, वो तो काफी आइकॉनिक आदमी थे, और हम भी थे उसमें और उस टीवी सीरीज में बहुत चला वो, 150 एपिसोड वेरी बिग, वीकली 52 वीक्स, ईयर 3 साल चला, 150 हो गए एपिसोड, अमेजिंग। एंड उस टीवी सीरीज में गेस्ट एक्टर्स काफी आते थे, और बहुत सारे आज जो बड़े बड़े लोग हैं वो उस सीरीज में गेस्ट, राजपाल यादव बोलो या कोई, सब वहां आके रोल करके उन्होंने अपना सॉर्ट ऑफ रेपुटेशन बनाया था। फिल्म में भी काम करें क्या आपने अपने बायोडाटा में? सच बात है कि ये सच करें एक्चुअली फिल्म में? सच बात है, लेकिन बैकलाइट लेके कुछ खड़े रहते थे, मैंने इतना सारा नहीं किया, लेकिन ऐसे जब दोस्त बन जाते हैं तो हाँ। पूछते हैं कि अरे इसमें काम करोगे क्या, ये एक अच्छा रोल है। तो कभी अगर लोग जो टीम है वो अगर मुझे पसंद आई या स्टोरी पसंद आई, पैसा पसंद आया हाँ। वो ज्यादा तो मैंने कर लिया। तो मैंने पहली फिल्म सलाम नमस्ते, तो मैंने हाँ तो सलाम से बात भी की, छप्पन ये तो बहुत फेमस, अब तक छप्पन में हाँ। मैंने किया था, बहुत अच्छा रोल था हाँ। पहली बार किसी ने मुझे नॉन कॉमेडी रोल में कास्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा, शमित अमीन डायरेक्टर थे, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूसर थे, उसमें किया। फिर सलाम नमस्ते यशराज की फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया, और भी थोड़े थोड़े किया, तो सूरज बरजाटे के साथ किया मैंने काम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ मैं, और अभी मैं वापस कर रहा हूँ धर्मा प्रोडक्शंस के साथ, अच्छा। एक के लिए फिल्म कर रहा हूँ, अब भी खत्म हो गई है शूटिंग, दिसंबर जनवरी में शायद रिलीज होगी। धीरे धीरे तो सारा ऑडियंस जो है निकल जा रहा है, डिजिटल पे ही जा रहा है धीरे धीरे, ऑनलाइन थिंग्स, थिएटरों का क्या होएगा? मुझे लगता है कि थिएटर रहेंगे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस जो थिएटर का है वो घर पे नहीं बैठ, और अभी थिएटर इज बिकम इनटू वन एंटरटेनमेंट एक्टिविटी प्लेस, यू नो, डेस्टिनेशन हो गया है, बड़े बड़े सीट्स है, पूरे सोफा जैसा, यू नो, एयर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जैसा ये होता है, तो वो रहेगा, क्योंकि फिर खाना पीना सब, पॉपकॉर्न आ गया, वो आइसक्रीम आ गया, फिर ये भी, तो थिएटर रहेगा। टीवी का थोड़ा बोल रहे हैं लोग कि शायद इम्पैक्ट होगा, लेकिन मेरा ये है कि जब टीवी आ गया तो लोग बोले कि न्यूज़पेपर बंद पड़ जाएगा, न्यूज़पेपर अभी तक चल रहे हैं, सबके लिए मार्केट होता है। मेरे को लगता है कि इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, सबके लिए मार्केट है, सो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, इतने हैं यहाँ पे कि कोई ना कोई तो पहुंच ही जाता है, करेक्ट, और वो कोई ना कोई भी गिनके थिएटर फुल हो जाता है, करेक्ट, सब लोग फोन पे वीडियो देखते हैं, टैक्सी ड्राइवर को लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर सब फोन पे अब देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेलीविजन बंद पड़ गया है। वही यही सुन रहे हैं कि है ना, मीडिया बंद पड़ते जाएंगे एक एक करके, लेकिन बंद तो कुछ पड़ता नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, सब बड़े बड़े नए थिएटर आ रहे हैं, सबके लिए जगह, हाई क्वालिटी, जैसे आपने बोला रिक्लाइनिंग सीट्स और करेक्ट कुछ, पैसा तो कमाती होंगे ना, और बच्चों को लेकर आप क्या बोलोगे, क्या शाम को क्या करेंगे बोलोगे, शाम को चलो पिक्चर देखने जाएंगे, आजकल तो वहाँ पे डाइनिंग भी है, वही ऑलराउंड एंटरटेनमेंट है, वही वही बच्चों के भी है ना, वहाँ पर है ना सेक्शंस हो गए हैं स्मॉल किड्स के, एंटरटेनमेंट के, उनको डाल दो वहाँ पर, अपना खाओ पियो, आप खाओ पियो, पिक्चर देखो, ये करो वो करो, तो ये सब तो मैंने बोल दिया, ये आप अपना बारे में बताइए कि एक तो आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, हाँ,
पूरे इंडिया में, हाँ, इनको सपोज इसमें से किसी को आपके तरह कुछ बनना है तो आपका क्या राय है उनको? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कई लोग एस्पायर करते हैं, यू नो, कि हम भी आ जाएं ऐसे कोई रोल में. नहीं, आना चाहिए लोगों जैसे को. मैं, मेरा ख्याल ये है कि सबके लिए जगह है. आपको खुद अपनी परख करनी चाहिए कि अपना टैलेंट क्या है. अगर आपको लगता है और किसी और ने भी बोला है कि आप बोलो एक्टिंग में टैलेंट है, लिखने में टैलेंट है, तो वो परस्यू करना चाहिए उसको. अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा आती है, अपने टैलेंट को होन, थोड़ा होन करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी जब आए तो लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी. मैं रियली ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा पूरा जो भी कुछ अभी तक हुआ है वो सब नसीब से हुआ है. अपॉर्चुनिटी आती गई और मैं करता गया. इतनी कोशिश भी, स्ट्रगल तो इतना कितनी की नहीं है. मेरे लाइफ में ऐसे हुआ है कि जो भी ऐसा लगता है कि बुरा हो गया, उससे ही कुछ अच्छा निकलता है. कि अगर मैं फेल हो गया उस कॉलेज में तो मैंने फिर लाइन बदल दी, तो फिर वो आ गया. अगर मैं पास होता था तो मैं बीएससी करके क्या करता था मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फेल हो गया साइंस में, इसलिए मैं आर्ट की तरफ गया. आर्ट की तरफ गया तो फिर थिएटर की तरफ गया, थिएटर की तरफ गया तो टीवी की तरफ गया. तो यू नो, सो एक चेन बनता है. पहले तो ईमानदारी से, मेहनत से काम करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी जो आए वो लेनी चाहिए. मैं भी फर्स्ट ईयर साइंस में फेल हो गया था. और आप टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहे हो. देखिए, तो मेरे फादर ने क्या करा, वैसे ही मेरा नाम बहुत खराब था उस टाइम फैमिली में. बोले इसको यहाँ से भेज दो कहीं, ये पता नहीं क्या कर लेगा यहाँ पर. तो मुझे हमारी टेक्सटाइल मिल थी सांगली में, और कोई नहीं रहता था, सिर्फ मैनेजर्स थे, तो मुझे वहाँ भेज दिया. अच्छा, तो आपने चलाई. मेरी तो लाइफ को मैंने तो खाली दिखाया कि जैसे कि मैं चला रहा हूँ, चलाने वाले तो दूसरे ही थे. मेरे को वहाँ पर मैंने 5 मोटरसाइकिल खरीद ली मिल में ही. तो रोज नई मोटरसाइकिल लेके मैं कॉलेज जाता था. वहाँ फ्रेंड बन गए, तो एक नई लाइफ चालू हो गई. लाइफ चालू हो गई. अच्छा, यहाँ पे मैं था अंधों में काना राजा, क्रिकेट भी खेलता था, टेबल टेनिस भी. वहाँ गया तो मुझे बोले, अरे तो इम्पोर्ट आ गया बॉम्बे से. मुझे क्रिकेट कैप्टन बना दिया कॉलेज का, टेबल टेनिस कैप्टन बना दिया. जस्ट इमेजिन, 4-4 साल में कैप्टन रहा. तो मेरी तो जिंदगी आबाद कर दी मेरे फादर ने. तो वहाँ से फिर और चीज़ें चलती रही. वही तो, फिर वहाँ से जो दोस्त बनते हैं उनके साथ कुछ एक्सपोजर अलग मिलता है. तो यही सब है ना. सांगली में रहा था मैं जाके. अरे चलो, 6-7 साल. सांगली में खाना अच्छा मिलता है क्या? बहुत बढ़िया. मेरे महाराष्ट्रन फ्रेंड्स जो थे, उनकी मदर्स मुझे बुलाती थी कि आज हमारे यहाँ खाना होएगा, एंड प्योर महाराष्ट्रन फूड. दिस इज व्हाट. ये शो जो मैंने किया, फूड शो जो मैंने लगभग 9 साल के लिए जो शो चला, उसका फायदा ये हुआ कि मुझे इंडिया में ट्रैवल करने का मौका मिला. हम लोग नॉर्मली इंडिया में ट्रैवल नहीं करते. हम जो हमारे सिटी के आसपास के जो हिल स्टेशन है ना, कि बम्बे में रहते हो तो उसकी कहाँ जाओगे, लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, माथेरान कभी जाओगे? कौन जाएगा भुवनेश्वर? कौन जाएगा विशाखापट्टनम? कौन जाएगा चेन्नई? क्यों जाए? कोई छुट्टी पे चेन्नई जाता है क्या? कोई जाता नहीं. या बैंगलोर चलो, कोई बोलेगा बैंगलोर में गार्डन है, इसलिए हम जब बचपन में वृंदावन गार्डन है देखने जाए. लेकिन इसके कारण मुझे सब जगह जाने को का अपॉर्चुनिटी मिला, और सबका खाना टेस्ट करने को मिला, विच इज द ग्रेटेस्ट. घर घर में जाकर मैंने खाना खाया सबके, बहुत अच्छा. इसीलिए किलो से किलो बढ़ते गया मेरा. ऐसा तो लगता तो नहीं इतना. यू नो, यू हैव हर्ड द वर्ड्स एजुकेट द गर्ल चाइल्ड. यस, ये मैंने पेन करा है. आप लोग भी लिखते हैं ना, ये ओरिजिनली मैंने 20 साल पहले इसको पेन करा था. सच? तो क्या बात. हाँ, और मेरे लेटर हेड पे भी रहता था उस टाइम कंपनी के, और मेरे कार्ड पे भी रहता था. बाद में गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया वो. एजुकेट द गर्ल चाइल्ड. गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करोगे तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट करोगे, बिकॉज जो मदर है वो सारा फैमिली को देखती है. फादर तो घूमते रहते हैं. Correct. जैसे कि कहीं कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन रियल फैमिली चलाती है मदर. तो वो मदर अगर एजुकेटेड रहेगी तो दैट. इंडिया में 50% फीमेल्स हैं, लेकिन मोस्टली अनएजुकेटेड रहते हैं, बिकॉज सब जगह गाँव में और सब जगह सब फैमिली बोलती है कि लड़के को एजुकेट करो, इसकी तो शादी करनी है, इसको पढ़ा के क्या करेंगे. पर वो चेंज करना है. अभी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसमें चेंज लाओगे तो कंट्री विल आल्सो कम अप. एजुकेट द गर्ल चाइल्ड. हर आदमी को कुछ ना कुछ इसमें करना चाहिए. एब्सोल्युटली. थैंक यू कुणाल जी, आप हमारे साथ आए. टाइम ही निकल गया, पता ही नहीं चला. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे मुंबई का FM गोल्ड चैनल पर छू लो आसमान. और इस कार्यक्रम में आपने सुना जाने माने लेखक, टेलीविजन, रंगमंच और फिल्म के अभिनेता कुणाल विजयकर, और इनसे बातचीत कर रहे थे विकास मिटरसेन,
जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ IBG एंड द ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। चलते चलते हम आपको ये बताएं, इस कार्यक्रम के लिए निर्मिती सहायक थी नियति भाटकर और प्रीति यादव।